दस इलेक्शन में झूठ का कोटा है वो उन्हें एक इलेक्शन में बोला तीन सौ सत्तर तीन सौ सत्तर लेकिन जब तक कभी नहीं था मेरी गर्दन कटती मैं कभी आती अदरवाइज क्या फ़ायदा है इसलिए मैं हाथ जोड़ कर सबसे पहले तो आज इट वॉज अ मोमेंटस डे फॉर द पीपल ऑफ जे के कि शायद छः साल के बाद एक पॉपुलर uh, गवर्नमेंट जो है उसको हल्प लाया गया तो हमें बहुत खुशी है और हमारा मुबारकबाद देते हैं Uh, नई सरकार को जो बनी है हमारी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रख के ये इस वक्त पूरे कौम के लिए खुशी का मुकाम है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है हालांकि जब पिछली असम्बली को डिसॉल्व किया गया तब हमारी असम्बली हिंदुस्तान की सबसे एम्पावर्ड और पावरफुल असम्बली और अनफॉर्चुनेटली आज जब हम जा रहे हैं ये परहैप्स वन ऑफ़ द वीकेस्ट असम्बलीज़ है पूरे हिंदुस्तान में पावर्स कर टेल किए गए हैं डिसम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जे तो जहाँ मुबारकबाद भी अपनी जगह है लेकिन ये भी है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं हम मानते हैं कि आज का ये जो स्वेरिंग इन सरमनी थी या जो पहला सेशन होगा असम्बली का वो हिस्ट्री का हिस्सा होगा इट विल बी अ पीस ऑफ हिस्ट्री ये पहली असम्बली होगी जो पाँच अगस्त 2019 के बाद चुनी गई है अब हम पर है जो इस असेंबली में आए हैं बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जिनके पास मेजोरिटी है कि हमारी जो पहला पहले दिन की कारदगी होगी वो डिफाइन करेगी कि क्या पांच अगस्त दो हजार उन्नीस वॉज इट इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ़ द पीपल ऑफ जे एंड के और वॉज इट अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ जे एंड के हिस्ट्री विल रिकॉर्ड इसलिए मैं हाथ जोड़कर जो मेजॉरिटी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस उनसे अपील करता हूँ कि जैसे उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था वो एक रेजोल्यूशन लाएं उस दिन जिसमें वो कंडेम करें कि 370 को जो हटाया गया उसको कंडेम करें पैंतीस को जो हटाया गया और जो इलीगल रेलीगेशन है ये तो तीनों चीज़ें इलीगल थी फ्रॉम स्टेट हुड टू यूटी उसको कंडेम करें और बोलें कि ये जम्मू कश्मीर की लोगों के विल के खिलाफ था ये उस रेजोल्यूशन में आए पूरा और जो हमसे चीज़ें ली गई हैं पाँच अगस्त दो सौ तो हज़ार तो वो राइटफुली जो हमारी है हमें वापस दी जाए और कंडेम करें सिक्योरिटी मेजर्स उस दिन के जो पॉलिटिकल क्लास को अरेस्ट किया गया जो एक हॉस्टाइल एनिमी की तरह हमें ट्रीट किया गया लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया टेलीफोन लाइनें काटी गई मोबाइल फ़ोन बंद किए गए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बल्कि नेट तो शायद महीनों भर वापस आया नहीं लाया नहीं गया था इन सब को एक कोहिव होलिस्टिकली इंक्लूसिव एक रेजोल्यूशन बने और हम यह अलग बात है कि हमारे पास एक ही वोट है वो एक वोट हम उनके जो है वहाँ वी वी ऑफर इट टू देम हम उनके हक में इस रेजोल्यूशन के हक़ में देंगे मगर ये भी एक हकीक़त है डेमोक्रेसी में कि जितने हमें वोट आए हैं जब हम उसके लिए वोट देते हैं तो वो सारा जो सपोर्ट उसको हो जाता है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और मैं ये बता दूँ कि अगर हम ये नहीं करते हैं देन इट इज टेंट अमाउंट टू बिट्रेल ऑफ द पीपल ऑफ जेड इलेक्शन में सिर्फ एक ही बात घूमती थी तीन सौ सत्तर तीन सौ सत्तर तीन सौ सत्तर लेकिन जब से रिजल्ट आया तीन सौ सत्तर सुनने में कम आ रहा हालांकि मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूं हम पर यह इल्जाम था कि अगर वो नहीं आते हैं और बीजेपी आती है वो रेजोल्यूशन पास करेंगे तीन सौ सत्तर को एंडोर्स करने के लिए रिमोल को और ये जो है हम सो so कॉल्ड ए टीम बी टीम उसको सपोर्ट करेगी ऐसा कभी नहीं था मेरी गर्दन करती मैं कभी ऐसा नहीं करता हम कभी ऐसा नहीं करते लेकिन आज ये प्लीज़ ये रेजोल्यूशन लाई है। अब हम लाते हम प्राइवेट रेजोल्यूशन बिल लाते लेकिन उसमें प्रॉब्लम है अगर वो फेल हो गया तो हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी कि एक रेजोल्यूशन आया था वो फेल हुआ और पाँच अगस्त जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ़ द पीपल ऑफ जे थी दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री वी कैनॉट अंडर एनी सरकमस्टांसेस अलाउ कि रेजोल्यूशन के बगैर हम असम्बली को आगे चल जाएंगे अगर उनकी कोई कंपलशंस है वो बलात्तर रखकर लेट इट बी कि सब वोट ऑफ कॉन्शंस करें बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नंबर्स इनके पास हैं हम भी सपोर्ट करेंगे मुझे लगता है और भी लोग सपोर्ट करेंगे कि हम पूरी दुनिया को एक मैसेज दें ये एक मैसेज होता है और कुछ नहीं होता देखिए मैं आपको बात बताऊँ नमाजी का काम होता है नमाज पढ़ना वो कबूल हो ना हो वो अल्लाह की रजा है हमने रेजोल्यूशन पास करना बाकी कोई हमें दे या ना दे वो उनका मामला है लेकिन हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी कि पांच अगस्त लीगल नहीं था जो पहली असेंबली थी पहले ही दिन उन्होंने इसको रिजेक्ट किया हिस्ट्री ये नहीं रिकॉर्ड करेगी कि आज कौन से मेहमान दिल्ली से आए हिस्ट्री को उनका नाम भी पता नहीं होगा हिस्ट्री आज की डेट में सिर्फ एक चीज़ रिकॉर्ड करेगी कि जिस दिन पहला आ, सेशन हुआ उस दिन क्या तीन पर बात हुई या नहीं बिलखसूस मैं बोलूं कि सारा इलेक्शन जो लड़ा गया है वो 370 पर लड़ा गया है ये जो सीटें इतनी आई हैं मुझे लगता है एक हैवी चंक जो है 370 की वजह से आया है वो कन्विंस कर पाए लोगों को कि 370 की प्रोटेक्शन या इसको वापस लाना उनके हाथ में ज़्यादा है और लोगों ने उनको वोट दिया है नाव विट इस टाइम एक्चुअली इंप्लीमेंट वोट दे समझता कि पार्लियामेंट कभी हमें देगी मुझे अदलिया में भरोसा है अभी भी अदलिया के सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं हर मुल्क के हिस्ट्री में एक मौका आता है कि इंकलाबी अदलिया जो है इंकलाबी जुडिशरी आ जाती है तब इस रेजोल्यूशन का बहुत फायदा होगा ये याद रखना ये मेरी बातें ये याद रखना अगर कभी इंकलाबी अदलिया आई हिंदुस्तान में जो आउट ऑफ द बॉक्स हो They will refer to this resolution if we pass it today. If we don't, then we are doomed for all times to come, and it will be the biggest betrayal of the people of JNK in the region. politics me simple or straightforward, black and white. Ki resolution lay 370 in otherwise, what is the hai I hope there will be, and when it comes to support, at least in the short term, this government should immediately restore statehood. That is what I would mean support. Short of that, there is no support.

दे हैव टेकन अवे थ्री सेवेंटी दे प्रोबली वोट एंड वन मोर थिंग हमें लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए इसके बाद जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है अल्लाह करे कोई और सरकार आई क्या वो देंगे या नहीं देंगे वी कांट कीप ऑन लाइन टू पीपल इवन दैट इज टू बी क्लियर अब हम बोल रहे हैं जी अब अगली सरकार देगी लेट इस ओनर्स ऑफ आस्किंग अगेन ऑन उमर अब अलाइंस वे दैम वहां से भी आज सारे मेहमान आए स्टेट हुड की बात की तीन सौ सत्तर की किसी ने बात नहीं की सर so, ये ड्रामा कब तक चलेगा लेट इज पुट एन एंड टू दिस थिएटर नहीं नहीं नहीं, नहीं किया था आ, 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 एल जी साहब के से भी यहाँ से कार्ड आया था और आ, उमर अब्दुल्ला साहब के यहाँ से भी कार्ड आया था मैंने सवेरे उनको ये किया बट हम कश्मीरी हैं तो असान केंगे क्या पुसू वार् तुकु तथा पुसुक बोल तथा पुत्रुखुक नीं बहुस अगर असल पटान बता गो थोड़ा बहुत सुबह फॉर देट पर वो पहले टूटी गाड़ी ढूंढता है जिसको फोटो वोटो उठेगा तो फिर बाद में हमारा उसमें नहीं है मगर ये था कि हमने उनको पहले सवेरे कंग्रेचुलेट किया और गुड विशेज दी एनसी को भी और उमर साहब को भी और इस वक्त भी दे रहे हैं मगर ये है कि अगर कोई उनका Uh, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कोई भी करता है वल इज य तो ये वहाँ वो मुझे लगा कि उनको भी मर्जी नहीं है तो मैंने बोला और उनके मेहमान बाहर से आए थे बगह साहब ने लक्ष्य तब एक गोश्त किए मैं साफ बताऊँगा इमरान साहब बोल रहे हैं मुझे चुप करके बैठो मैंने बोला मैं साहब बोलूँगा हर एक इलेक्शन में झूठ बोलते हैं सब बोलते हैं लेकिन जो दस इलेक्शन में झूठ का कोटा है वो उन्हें एक इलेक्शन में बोला ये दह इलेक्शन में पन्साह वरीय लगा इट इज़ विल गिव देम टाइम टू बी वेरी ऑनस्ट विथ यू पीपल विल बी रेस्कू आफ्टर समटाइम दीज आर मैस्यू प्रोम और मैंने कैलकुलेट किया था मुझे नहीं मालूम है उन्होंने कैलकुलेट किया है कि नहीं किया जैसे एक लाख जॉब की बात बोल रहे हैं द ट्रेंड आफ्टर डिजिटलाइजेशन एंड आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इज दट पब्लिक सेक्टर इज कॉन्ट्रैक्टिंग एवरीवे मतलब अगर पहले मुलाजिम थे चार लाख अब तीन लाख होंगे ये एक कहां से बढ़ाएंगे यह मैं समझ नहीं पा रहा एक दूसरा अभी जो बिजली का मामला है आई डोंट नो आई विश दे कैन आई होप दे विल बिकॉज लोगों ने इस पर बड़ी जो है उम्मीद लगा के रखी थी अभी जो 12 गैस सिलेंडर है अभी पहले ये भी नहीं पता है ये किस डिपार्टमेंट के तहत है बिकॉज गैस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है राइट तो इनको खरीदना है उनसे किन से खरीद के फिर लोगों को मुफ्त देना है तो अल्लाह करे लेकिन ऐसे तो मतलब जी फंड भी फ्रोजन है राइट ठेकेदारों को जो काम किया वो नहीं मिला हुआ है मुझे लगता है थोड़ा मगर लोगों को भी एक चीज़ बता दूँ एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है पिछले दो इलेक्शन में मैंने देखा है जितना बखूबी एक बंदा झूठ बोल सकता है उतने उसको ज़्यादा वोट मिलते हैं झूठ सब पॉलिटिशियन बोलते हैं लेकिन ये लोगों पर होता है वो तय करते हैं कि कौन कितना झूठ बोले तो हमारा प्रॉब्लम हो गया है हम एक दिन वोट डालते हैं फिर चार दिन के बाद बोलते हैं ऐसा हज गलती आज फिर भी हम पुराना भूल के इनको बोलते हैं कि आप आओ रेजोल्यूशन uh, और हम आपको सपोर्ट करेंगे और अगर नहीं लाया तो आप याद रखना ये सबसे बड़ी जो है ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ होगी बिलखसूस कश्मीर के लोगों के साथ प्लीज़ डोंट रिपोर्ट इट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ये इनका पहला इनको दे आर एंटाइटल टू देअर हनीमून पीरियड बट थ्री सेवेंटी इज समथिंग इफ यू डोंट पास इट ऑन द फर्स्ट डे Or if we don't present it on the first day, we will miss the bus for all times to come.